आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट।
आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं।
आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल
विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है द गिवन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल और नॉट। आप इसमें सॉल्वेंट अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। थैंक यू।